बाप रे, भयंकर आग लगी है। क्या तुमने उन्हें कॉल किया फायर ब्रिगेड को? अरे कुछ करना पड़ेगा, आग कैसे लगी? जानी पड़ेगी। जान बेटा, ये आग बुझानी पड़ेगी, कुछ करिए। इधर आ जाओ। समझ कर लिया, हो गया? कैसे लगी आग? पानी पानी डालो इस पर। कैसे? और ये कैसे चल रहा है? आग कैसे लगी? नहीं, भाई रुको, भाई जान, नहीं जान, भाई रुको, भाई जान रुको, भाई जान रुको, क्या भाई आओ जाओ, जान नहीं, भाई रुक जाओ प्लीज, भाई पीछे अंदर मत जाओ, बेटा रुक जाओ, भाई को जाके बचाना होगा, जान जान, रुको, रुको सर, नहीं, कंट्रोल से बेटे, कुछ नहीं होगा, भाई को जाके बचाओ। थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पर आ गए। थैंक यू सो मच ऑफिसर, हमें जो करना चाहिए था हमने वो पहले ही कर लिया है। हाँ। आग अच्छे से बुझ गई है। हम अब ठीक है, हमने आंखों से काफी अच्छा कम्युनिकेशन कर लिया। मुझे फ्लेम्स दिख रहे थे, तुम मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे तुम मुझे डायरेक्ट कर रहे थे। जे पहली बार मैंने किसी आग को बुझाया। हाँ हाँ, पहली बार तो मेरे लिए भी पहली बार था। अगर हम ना होते तो शायद पूरा जंगल जल जाता। आप ठीक है? जान आपका हाथ जल गया है। हाँ कोई बात नहीं। ऐसे कैसे जान? जान ये दर्द कर रहा होगा। ऊपर वाला सबकी रक्षा करे। जान तुम्हारा सब सामान जल गया है। कोई बात नहीं, जो जरूरी था वो चीज जली नहीं तो ठीक है। ऊपर वाले का शुक्र है कि किसी को कुछ नहीं हुआ। थैंक यू। चलो बेटा, इमरान जा रहे हैं। ऊपर वाले का शुक्र है। चलो चलो, सब ठीक है। हाँ, किसी को कुछ नहीं हुआ। अपना ख्याल रखना बेटा। बेटा, पर तुम उस आग में गए क्यों थे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। डैड आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, ये कुछ नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं मेहरबान को घर लेकर जाता हूँ। चलो आप ख्याल रखिए अपना। सी यू एम्रे, थैंक्स। मैं तो ये लेकर आप ही के पास आ रही थी। मैं ये पूछने आया था कि तुम्हारे पास क्रीम है या नहीं। क्या आपने अपना हाथ पानी में डाला? ओके ठीक है, यहाँ आइए, आइए। कम से कम इसे 15 मिनट के लिए इसमें रखना होगा। ये हील होने में इसकी मदद करेगा, ऐसे ही रखिए। 0 से 15 मिनट, ये बहुत ज्यादा है। वो जल गया है, ये ऐसे। मुझे लगा तुम उस पर फूंक मारोगी। ये पहले से ही ठंडा है। हाँ, वो यहीं रहेगा। एक दो दिन तक रहा देख लेंगे, नहीं 15 मिनट तक। क्या ये जल रहा है? थोड़ा सा।
ये बहुत हुआ, इसे निकालिए। ये क्रीम आपकी मदद करेगी, आप इसे लगाइए ताकि जलन कम हो जाए और निशान भी मिट जाए। लो लगा लो। अच्छा मैं लगा लूं? सनम यू माइंड थोड़ी सी हेल्प कर दो मेरी। ऑलराइट। अगर चले तो मुझे क्या ही चल रहा है। और लगाओ थोड़ा। क्या चल रहा है? ये क्या है? एलोवेरा है। हाँ। कुछ लोग इसे येलो सबर कहते हैं। येलो सबर? हाँ। अच्छा। हाँ, पहले इजिप्शियन इस प्लांट को इटर्निटी कहते थे। उन्होंने इसका नाम इसीलिए ऐसा रखा ताकि ये जले हुए जख्मों पर असर दिखाता है और ये टूटे हुए दिल को जोड़ने में भी काम आता। मतलब ये हार्ट के लिए काफी अच्छा है। दिल के लिए? जैसे कि क्लोपात्रा की खूबसूरती का राज यही पौधा था। सिकंदर भी अपने फौजियों के जख्मों को इसी पौधे से भरता था, इसीलिए हमने सोचा कि आपके हाथों पर लगाया जाए ताकि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आप अच्छा फील करें। इसमें हनी भी है ना? क्या आपको इसकी स्मेल आई? हाँ, मुझे लगा इसमें हनी है। मुझे थोड़ी स्मेल आई तो मैंने सोचा पूछ लूं। एंटीसेप्टिक है और नेचुरल एंटीबायोटिक है। अगर आप इसे अपनी क्रीम में भी डालो ना तो भी इसका गहरा असर होगा और आपको डॉक्टर को भी दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं पहले ही काफी सवाल पूछ चुका हूँ, तुम भूल गए ना? हाँ, बस अगर आपको जब ज्यादा पता होता है ना तो सब बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। अगर आपको दर्द हो तो बताइए। हाँ, मैं आराम से करूंगी। दर्द हो रहा है? थैंक यू सो मच। वेलकम। क्या तुमने यगिट को देखा क्या? मुझे नहीं पता, शायद वो घर गया हो। वैसे आप कहाँ रुकोगे? अब तो हट भी जल चुकी है ना? पता नहीं, देखता हूँ। फिलहाल आप मिस्टर अजीज के घर रुक जाइए। वैसे भी आप यहाँ ज्यादा वक्त तो नहीं रुकने वाले, आप तो जाने वाले हैं ना? हाँ। माय डियर सनीम, क्या हो गया है? कुछ तो बोलो, कहाँ दिख रही हो तुम? क्या हो गया सनीम? लगता है इसे स्ट्रेस हो गया है। बोलो सनीम। सनीम, सनीम, माय डियर, तुम ठीक हो? सनीम, सनीम, सब ठीक हो जाएगा। क्या मैं जान के साथ गलत कर रही हूँ? क्योंकि वो मुझे अभी तक भूले नहीं है। वो मेरा स्कार्फ लेने के लिए जलते हुए घर में गए। वो तुम्हें भूले नहीं है, पर उन्होंने एक साल खो दिया है सनीम, और तुमने क्या कुछ झेला है, हम नहीं भूल सकते हैं इस बात को। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लैला। मुझे लगता था कि वो मुझे भूल चुके हैं और इसी बात को लेकर मैं हमेशा दुखी रहती थी। लेकिन ये काफी अच्छी प्रोग्रेस है। अब तुम दोनों भी एक दूसरे से पास्ट के बारे में बात कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना तुम उन्हें खुद पर हावी मत होने देना। अपने सामने ने एक शील्ड बना दो जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे। ऐसी कोई शील्ड नहीं होती है, मुझे नहीं लगता। उन्हें कन्फ्रंट करने से अच्छा है कि तुम उन्हें देखते ही अपना रास्ता बदल दो। उनसे बात भी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जब भी तुम्हारे पास आए वहाँ से चली जाओ।
लेकिन मैं साइंटिफिकली ही अच्छा बात कर रही है, पर उसकी बहन होने के नाते मैं बात कर रही हूँ ना, मैं हमेशा वर्क करती हूँ। मैं समझती हूँ, पर मैं उसकी भलाई के लिए ही तो कह रही हूँ। वो उसका बचाने के लिए उस आग में घुस पड़े थे और वो हट जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम तुम्हारा साथ अभी नहीं छोड़ेंगे, समझ रही हो ना सनी मेरी बात? हाँ मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन सनी तुम कितनी खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। क्या तुम जानती हो जब से जान यहाँ पर आए हैं तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो? नहीं बिल्कुल नहीं, ये मेरा नेचुरल विजन है, मैं तो वही हूँ, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम एकदम वीनस लग रही हो और एकदम खूबसूरत की रानी लग रही हो। थैंक यू सो मच। क्या हुआ, तुमने स्पोर्ट वेयर क्यों पहने हैं? मेरी ड्रेस पर कॉफी गिर गई थी, अच्छा हुआ कि वो गर्म नहीं थी। चलो बाहर चलते हैं, ताजी हवा में टहलते हैं। ओके, पर ऐसे नहीं, तुम्हें कुछ स्पेशल पहनना चाहिए। रुको मेरे लिए। क्या? ता 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 ता। सनीम। पर मैं रेडी नहीं हूं। तुम हो, बस 5 मिनट में हो जाओगी तुम। ये देखो मेरे पास क्या है। हाँ ये ठीक है। रेडी हूँ, चलो। मुझे अब फ्यूचर के लिए कोई होप नहीं है, इसलिए मैं बीते हुए कल को याद करती हूँ और खुद को समझाती हूँ कि मैं भी कभी किसी से प्यार करती थी और मेरी लव स्टोरी दुनिया की सबसे अच्छी लव स्टोरी थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। पर तब मैं बहुत खुश थी जब मुझे ये पता चला कि वर्ल्ड ट्रिप करने के बावजूद भी वो मुझे भूले नहीं है। उन्होंने अभी तक मुझे अपने दिमाग में रखा है। हमारा फ्यूचर तो नहीं पर पास्ट है और यही मेरी रेमेडी है। मुझे
मुझे भी भूख लगी है। ठीक है शांत रहो, हम तुम्हारी मोम को सोने देते ओके? चलो अब क्यों ना हम जाकर चॉकलेट की क्रेप्स बनाए और चुपचाप खा ले, क्या कहते हो? पापा लेकिन मॉम चॉकलेट क्रीप्स खाने पे गुस्सा करती है। नहीं नहीं अगर वो गुस्सा करेंगे तो हम उनके लिए भी बना लेंगे, सबको मेरे क्रीप्स बहुत पसंद है ना। चलो चलते हैं, कम ऑन सब मेरी बैक पर आ जाओ। Hey, तुम्हें एक्स्ट्रा क्रेप मिलेंगे क्योंकि तुम चल रहे हो ना पापा। सारे पंछी उस वादियों में एक दूसरे से बात करने के लिए आते हैं। सब एक दूसरे को अपना डर बताते हैं। कुछ पंछियों को बूढ़ा होने से डर लगता है, कुछ पंछियों को अनसक्सेसफुल, कुछ पंछियों को अकेले रहने से, तो कुछ पंछियों को मकड़ियों से डर लगता है। जैसे मुझे। हाँ हाँ ये काफी नॉर्मल बात है, हर किसी को किसी ना किसी से डर लगता है। किससे लगता है? अकेला रहना। पर आप अकेली नहीं है, आपके काफी दोस्त है और हम भी है। हाँ हाँ तुम सही हो, मैं इस डर को भूल जाऊंगी। मैं जानती हूँ मुझे इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पंछी भी एक दूसरे को अपना डर बताते हैं और उसे भुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो इतने दूर कैसे जाते हैं? उनको पहुँचते पहुँचते तो बहुत साल लगते होंगे। हाँ, ना पर उन्हें दूर दूर तक उड़ना पसंद है, उन्हें एडवेंचर पसंद है। मैं तो पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, मैं इस जगह से परेशान हो गया हूँ, वही गांव वही पेड़। हाँ यहाँ सब ठीक है लेकिन पहले तुम्हें तुम्हारा एजुकेशन कंप्लीट करना होगा, ठीक है? तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो, पूरी दुनिया घूम सकते हो ओके? लेकिन अगली बार जब तुम यहाँ आओगे अपने साथ अपना होमवर्क लाना, मैं वो चेक करूंगी। ठीक है। तो मेरे छोटे छोटे दोस्तों ये कुकीज तुम्हारे लिए है, इन्हें रास्ते में खाना ओके? तुम अपना होमवर्क करो। Bye. See you. See you. See you. My beauty. Take care of yourself. Mom को नाराज मत करना okay? Bye. Bye. See you. कनेर सुनो, अगली बार अपना होमवर्क करना मत भूलना। Bye. सनम, मैं पागल नहीं हूँ। ये क्या बात है, तुमने तो मुझे डरा दिया। बोलो तुमने तो मुझे भी डरा दिया। हाँ ठीक है। देखो मैं ये गार्डन से लाया हूँ, ये काफी अच्छे हैं। जान यहाँ रुका है क्या? रात को देखा था तुम दोनों को यहाँ पे आते हुए। उनकी बोट खराब हो चुकी है, जब तक वो रिपेयर नहीं हो जाती वो यही रहेंगे, ज्यादा दिन नहीं, चले जाएंगे यहाँ से जल्दी। सनम जब से जान यहाँ पर आया तुम ठीक नहीं लगती, तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना, 5 मिनट में आ जाऊंगा। सही बोल रहा हूँ, मेरी ऑफर सबके लिए वैलिड है जो परेशान होता है। मैं तुम्हारे दिमाग के पावर के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकती, सिर्फ टमाटर के साथ कर सकती हूँ। वैसे काफी अच्छा है, मुझे टेस्ट कराने के लिए थैंक यू। और मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ सनम, मैं ये तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, खा लेना जितना मर्जी चाहे उतना। मिलता है, मेरी ऑफर को ध्यान में रखना। सही बोल रहा हूँ, जब तक तुम्हारे मसल स्ट्रांग है तब तक। है।
तुमने मुझसे काफी अच्छा स्केयरक्रो बनाया। हमें लगा था कि इससे कौवे डर जाएंगे और कुछ ऐसा ही हुआ, कौवे डर गए। अगर तुम चाहो तो फोटो बदल सकते हैं, ये काफी अच्छा रहेगा। मेरा मतलब इससे भी और ज्यादा डरावना, मेरा एक्चुअल विजन तो और भी वाइल्ड है। क्या ये अच्छा लग रहा है? मैं इसे केयरफुली नहीं, शायद डरावना नहीं है। मेरे पास वक्त नहीं था वरना चेक करती। क्या आप टमाटर खाओ? हाँ। जैसे मेरी फोटो खाते समय ले लो और वहां लगा दो। जब वक्त होगा शर्ट बदल लेंगे। तो मैं स्टाइलिश बनाना चाहिए, ये काफी अनटाइडी है। हाँ। सनम, तुमने तो डरा ही दिया इगित। तुम इतने कंफ्यूज थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। वैसे मैं कुछ दिनों से स्ट्रेस्ड हूँ। वैसे यहाँ तो सभी लोग स्ट्रेस्ड हैं। क्या हुआ? कल रात जान का हट जल गया। हाँ, जान जलते हुए हट में गए। कल रात एक्शन से भरी थी। पर तुम कहाँ थे? तुम कहीं नजर नहीं आए। मुझे एक अर्जेंट काम आ गया था इसलिए चला गया था। लेकिन आग लगी कैसे? जान कैसा है अब? मुझे नहीं पता कैसे लगी, लेकिन जान अभी ठीक है। सिर्फ उनका हाथ थोड़ा सा जला है। मैं समझता हूँ। सनम, इतनी तेज आग में आखिर वो गया क्यों? उनके हट में कुछ था, वो लेने गए थे। मुझे नहीं पता वो क्या लेने गए थे। क्या उसे वो चीज मिल गई? बताओ। छोड़ो इन सब बातों को, मेरा दिमाग काफी कंफ्यूज्ड है। मुझे माफ कर देना। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। मिलते हैं। मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सब कर रही हूँ।